सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने अपने हेलमेट को भी सही कराया और पूरी रात हो गई थी। मैं ये समझ लो कि पूरी रात से उठा हुआ हूँ और अभी तक नहीं सोया। रोशनी हो चुकी है, नमाज पढ़ के मैं फारिग हो चुका हूँ। थोड़ी देर पहले इजहान को उसकी अम्मी को दिया है और वो इजहान सोने लगा है और अब मैं अपनी नींद पूरी करूंगा। 3 घंटे नींद पूरी करने के बाद 3 घंटे इजहान ने उठा के रखा हुआ था। उसकी भी तबीयत खराब थी, खांस रहा था। मैं भी जाके सोऊंगा। सूरज देख लिया है मैंने भाई, हाँ भाई मॉर्निंग हो गई है। अभी मैं सोता हूँ थोड़ी देर में और उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो मुझे भी बाल कटवाने, इजहान को भी बाल कटवाने। ये देखो जी, सारे टॉय अभी इसने फेंके और अब जाके सो रहे हैं और अभी जाके नींद पूरी करेंगे। और अभी सारे जितने टॉय थे वो सब फेंक फाक के, मेरा बैग भी खोल के, सामान निकाल के, मेरे हेलमेट से खेल के, मतलब पूरा तोड़ फोड़ करके अब सोने लगे वो। रात को एडोब प्रीमियर डाउनलोड करा पर ये देखा मैंने क्या, एडोब प्रीमियर एलिमेंट्स, अब ये कोई नया सॉफ्टवेयर लग रहा है मुझे, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। चलो जी कर लेते हैं इंस्टॉल, इसको ही देखते हैं, अगर यही काम का बनता है तो इसको यूज़ करेंगे। लेट हम उठ चुके हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी नमाज पढ़नी है और उससे पहले इजहान को बाहर लेकर आया हूँ क्योंकि घर में बैठना ही नहीं है, बाहर जाना है, सिर्फ बाहर जाना है और मेरी शक्ल देख के रोना है क्योंकि मेरा वीकेंड होता है ऐसा। मेरे वीकेंड में ये मुझे देखते हैं और रोते हैं और बोलते हैं बस बाहर लेके चलो। पिजन कहाँ है? ये सामने पिजन है, पिजन आज इजहान को दिखा रहे हैं। उड़ गई है पिजन, पर ईगल उड़ रही है। आज इजहान की तबीयत ना थोड़ी सी खराब है तो मैं ये सोच रहा था, आज की प्लानिंग मेरी ये थी कि इजहानों में जाएंगे हेयर सलून के पास और दोनों एक जैसी हेयर कटिंग करवाएंगे, बट ऐसा आज पॉसिबल नहीं हो रहा। मैं खुद जा रहा हूँ हेयर सलून और इजहान को लेके नहीं जा रहा क्योंकि लेके जाऊंगा तो उसके बाद जब नहाएगा तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। नज़ला इनको हो रहा है तो सोचा कि इजहान को छोड़ते हैं, मैं खुद जाता हूँ आज हेयर कटिंग करवाता हूँ। वरना काफी टाइम से मैंने सोचा हुआ था, पूरा हफ्ता सोच के रखा हुआ था कि सैटरडे के दिन मैं और इजहान सेम कटिंग करवाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आ जाए चले, आयशा ने नाश्ता करा है अभी आज तभी। ओ रुमाल, इजहान का रुमाल भी लिया, उठा लो। नहीं क्यों, इजहान का रुमाल को हाथ नहीं लगाती, देखो इजहान का रुमाल उठा लो ना, आप लेकर आ जाओ ना, क्या हो जाएगा यार। अरे साफ सुथरा देखो, क्लीन क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, उठा लो यार प्लीज यार। अरे प्लीज थोड़ा सा उठा लो बस, जल्दी से नीचे लिया, मैंने मेरे इजहान को पकड़ा हुआ है ना आयशा, ऐसा गंदा गंदा जो ऐसे पकड़ा हुआ है आपने। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, साफ है भाई रुमाल, साफ है, साफ है, साफ है, बस नक्कू साफ करी थी इजहान की, इजहान की नक्कू साफ, नक्कू लगी हुई है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आज 4 बजने वाले, कढ़ाई हमने खाई है चिकन। ओए होए होए, इजहान खेल रहा है। अब कुछ जाके बेहतर हुई है तबीयत इजहान की, आयशा अभी खाना खा रही है और अब मैं जाऊंगा यहाँ से बाल कटवाने के लिए। इजहान नहीं जा रहा, तोड़ो तोड़ो बेटा तोड़ो, हर चीज तोड़ो। इसका प्लेइंग एरिया बना हुआ है भाई, ये वहां से जाएगा यहाँ पर आएगा आयशा के पास, फिर वहां पे जाएगा, फिर आयशा के पास, बस ये वाला। ये देखो आप चप्पलें उठा ली। इजहान किसके लिए लाए हो स्लीपर्स है? अच्छा खुद पहननी है, अच्छा अब अकेले आ रहे हो। इतनी चीजें पहले ला चुका है और अब आएगा आयशा के ऊपर हमला। नहीं हाँ हमला 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 हमला, बुरी बात होती है। छोड़ 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 मेरी बहन की बाल, छोड़ छोड़। ये देखो आयशा क्या कर रहे, जान की पिट्टी लगाए, पिट्टी लगाए जान की, लगाऊं पिट्टी लगाऊं रो है? नहीं वरना मैं पिट्टी लग रही होती है जान की, अब तंग करेगा ना आयशा को तो जान की पिट्टी लगेगी। छोड़ 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 छोड़। ये देखो हरकत है, देखो मेरी आयशा, चलो चलो हरकत देखो उसकी यार, उसके बाल खींच रहा जा जाके। मुझे इजहान के साथ नया एक्सपेरिमेंट करा है, मैं आ गया हूँ बाहर और इजहान है अंदर, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? वाओ 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 वाओ, ये लो बाबा के फिंगर। नहीं भाई नहीं, किसी तरह आना है, किसी तरह आना है, कैसे आना है? नहीं नहीं भाई ले लेते हैं, आ जाओ भाई, लोग खोल दो, आ जाओ। आप खुश हैं भाई? आप खुश हैं जी? हाँ चलो जी, इजहान के साथ थोड़ा सा यहाँ पर टाइम निकालते हैं और फिर जाकर आ रहे हैं। सुबह से बाल नहीं कट रहे, सब चीजें हो रही है, सब काम हो रहे हैं, बस ये वाला काम नहीं हो रहा। असल में इजहान की तबीयत सही नहीं है, इसके लिए मैं इसको बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है। जब भी थोड़ा सा ये बाहर आ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, असल चीज होनी चाहिए एक्टिव, एक्टिव है ना तो सब चीजें सही, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब कैजुअली के यार अगर कपड़े गंदे कर रहा तो मसला नहीं है, कर दे, बट ये कि खेलता रहे, एक्टिव है ना तो सही है। कहाँ कर ला मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ चाबी लेके जा रहा है भाई, पर ये कि अल्लाह का शुक्र है एक्टिव है तो बस सही है, नजला वजला सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहे। और हरकत देखो, यहाँ से भी चाबी बाहर फेंक रहा है, पता है लोग कोई भी चीजें चाबी बाहर फेंक रहा है। एक बात है भाई, ये वाला बच्चा ना संभालने वाली चीजें वाला बच्चा नहीं है, ये फेंकने वाला बच्चा है, कोई भी सामान आएगा ठक फेंक दो, मोबाइल आएगा फेंक दो, इस टाइप का बच्चा है मेरा। वाओ कैटी, कैटी स्लीपिंग मोड में और इजहान को सोना ही नहीं है, पूरी रात उठा के रखा है और स्टिल अभी तक मैं अपने हेयर सलून के पास नहीं जा पाया। शाम में इनको राउंड चाहिए, वो राउंड देने के लिए मैंने बाइक पे लेकर आया हूँ और सामने कैटी नजर आई तो मैंने सोचा कैटी दिखा दो। अभी मैं स्टिल अभी तक हेयर सलून के पास नहीं गया, शाम के 5:30 हो रहे हैं, कन्फर्म कर लें। अरे
यहाँ तो टाइम ही सही नहीं है गाड़ी का यार। तो जी अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, रिजान बैठा था गाड़ी के अंदर। असल में गाड़ी थोड़ी सी हटवानी, यहाँ पे किसी का ट्रक खड़ा होना था सामान शिफ्टिंग के लिए, तो गाड़ी हटा दी और गाड़ी वापसी लगा भी थी। तो जी फाइनली आ चुके हैं हम अपने हेयर सैलून के पास, जो की है नौमी बार बार। ये बड़ी इतनी लगी हुई इसकी शक्ल, ये भी मैंने शूट करा था इसका। तो जी आ चुके हैं और अभी यहाँ पर अपनी कटिंग होगी और शेव होगी। क्यों गुस्से में? A few moments later. चाय आ चुकी है शाम के 7, क्या बोलेंगे 7:45 हो गए। चाय रखी हुई है, कपकेक आ गए और मेरे बाल कट चुके हैं। फ्रूट केक आ गए, सॉरी भाई हमने गलत बोला, फ्रूट केक आ गए, चाय आ गई है, मेरे बाल कट चुके हैं। इजान के बाल नहीं कटे इस दफा, इजान थोड़ी सी अभी तबीयत सेट हो जाएगी ना, इजान के बाल कट जाएंगे। सही है, हाथ हिलाता कैमरे को देख के, बाय बाय कर दो। अच्छा बाय बाय, फ्रैंक किस करना सीख गया बताओ, हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। तो जी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बनाई जा रही है, मतलब ठंडी करने के लिए रखी जा रही है। सारे कैन है यहाँ सामने लगा हुआ है, मटन कबाब यहाँ पर जी खाने पीने का सेटअप है। इजान मेरे साथ है, अभी थोड़ी देर में हम खाएंगे, हमें अभी तो जल्दी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। हाय कैमरा देखे हाई कर रहा है भाई। तो जी अभी बस खामोशी से सब खाना खाने लगे हुए, ये फिनिश होता है तो फिर हम कुछ करते हैं। इजान का मूड इतना खराब है कि इसके इसके मामू उसका मूड सही कर रहे हैं। केटी के साथ एक केटी ये रही है, केटी वो रही है, अजीब सा कुछ माहौल है, दरक दरक थे। बट ये भाई साहब केटी को देख के थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया, तो इनका यहाँ पर मूड अच्छा किया जा रहा है। रात के 12:30 हो गए या 12 बज रहे पर जा रहे हैं। इजान सो गया और अभी आए घर की तरफ, घर जाते एक बात इम्पोर्टेंट करते और फिर ब्लॉग एंड करते। तो जी बात कुछ ऐसी है कि आप में से अगर किसी का भी मोबाइल चोरी हो तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि FIR लाजमी दर्ज करो। मैं भी नहीं करवाता था पर ये कि करवानी पड़ती है। अभी बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये वाली बात शेयर करना चाह रहा हूँ। FIR दर्ज करवा लो या फिर कंप्लेन कर दो ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इनकेस इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको लगता है कि वापसी आने के चांस हैं तो 1% होते हैं चांस। तो इसी तरह हमारे साथ वापसी तो नहीं आया, हमारे साथ मोबाइल वापसी गया है। वो ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त के पास कॉल आई, तो कॉल करके बोला कि आपकी कंप्लेन है और आओ और अपनी कंप्लेन को ख़त्म कर दो। मेरा दोस्त गया और दूसरे दोस्त को कांटेक्ट करा कि चलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया। जाने के बाद जब पता चला तो रेंजर्स वाला का हेडक्वार्टर था और वहाँ पे बोला कि आपकी कंप्लेन ये है कि आपके पास जो मोबाइल है वो चोरी का है और अच्छी बात यह है कि आपकी कोई सीन नहीं है, आप ये वाला मोबाइल यहाँ पर रखवाओ और वापसी जाओ। तो वो हक्का बक्का हो गया कि यार ये क्या सीन हो गया। तो उसने बोला नहीं यार चोरी का नहीं है, तो उन्होंने बोला चोरी का नहीं है तो आप इसकी स्लिप ला के दे दो जहाँ से भी लिया आपने। तो इत्तेफाक की बात वो गया सदर, और सदर जाने के बाद जब देखा उसने कि यार मैं यहाँ से जाके देखता हूँ वो शॉप वाला बंदा मिलता है उससे मैं स्लिप विलिप लेता हूँ। तो उसके बाद वो जब वहाँ पर गया तो वो शॉप भी बंद, तो फिर सीन ऐसा हो गया कि शॉप भी बंद, मोबाइल की भी कोई स्लिप नहीं। तो हुआ ऐसा कि रेंजर्स वालों ने बोला कि अब आप ये वाला मोबाइल यहाँ पर रख दें और जो भी डेटा है जो भी चीज़ें सारी लेके चले जाएँ, क्योंकि ये वाले मोबाइल के ऊपर पर्चा कटा हुआ है और ये चोरी का है। तो उन्होंने बोला इन केस अगर आपका भी चोरी होता है तो आप भी यहाँ पर आके अपनी कंप्लेन लिखवा दो और हम 6 महीने के अंदर कोशिश करते हैं 80% 90% रिकवर करके दे दें। तो मेरे दोस्त के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो सोचा आप लोगों से शेयर करने वाली बात जाते जाते कि अगर मोबाइल चोरी हुआ हुआ तो कंप्लेन लाजमी लिखवा दो, नहीं चोरी हुआ हुआ तो सही है चलते रहो। और जब भी मोबाइल लेने जाओ तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखो कि स्लिप लेनी है या फिर उसका NIC लाजमी लेना है, इन एक दो चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। बाय बाय टाटा।